मैनेजमेंट से पैसेंजर कार और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट से जुड़ी अपने सेगमेंट की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से हम बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें, मारुति सुजुकी ने देश के लोगों के साथ सुजुकी पार्टनरशिप के 40 साल पूरे कर लिए हैं। नए लॉन्चेस की बात करें, 2022 का साल कंपनी के मैनेजमेंट के लिए काफी दमदार रहा। कई सारे न्यू लॉन्चेस भी देखने को मिले और टेलमेंट्स तो कई सारे हैं। प्रोडक्शंस की अगर बात करें, मारुति सुजुकी ने रिकॉर्ड 1 मिलियन SCNG व्हीकल सेल्स इस साल कर दिखाई है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। ग्रीन शूट्स रूरल सेल्स पिकअप से भी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण भारत में डिमांड जो है उसका आउटलुक काफी इंटैक्ट दिख रहा है। साथ ही यहां पर रॉ मटेरियल प्राइसेस का ट्रेंड सिनेरियो क्या है और उसके मायने कैसे नजर आएंगे, और स्ट्रांग डिमांड क्योंकि रीसेंट SUV लॉन्चेस को लेकर लोगों में काफी हद तक इंटरेस्ट जागृत होता हुआ दिख रहा है। चलिए, इस सारी की सारी चीजों पर आगे ग्रोथ आउटलुक कंपनी क्या बनाकर चल रही है, 2023 के लिए क्या ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, जानते हैं हमारे साथ मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केट सेल शशांक श्रीवास्तव अब जुड़ गए हैं। शशांक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुरुआत तो सबसे पहले मैं रूरल सेल्स आउटलुक से ही करना चाहूंगी। 2023 के लिए ग्रामीण भारत पर डिमांड आउटलुक आप क्या मानकर चल रहे हैं, क्योंकि 2022 से ही हमने देखा है अच्छे सेंटिमेंट्स डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, तो किस तरह का ट्रेंड आगे दिखेगा, स्पेशली जिस तरह से स्मॉल कार सेगमेंट में एक पिकअप ट्रेंड नजर आ रहा है? जी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेरी नजर में रुझान जो है वो मुस्बत है, पॉजिटिव है, और उसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें तो मानसून एक नॉर्मल रहा है। इस बार की खरीफ की जो उपज है वो भी बहुत अच्छी रही है। रबी सोइंग इस समय जारी है, वो भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छी रबी सोइंग भी हो रही है। MSPs हायर है इस बार, और यही वजह है कि हमें उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनकम लेवल्स है उसमें इजाफा होगा। यही इसी वजह से आगे आने वाले वक्त में मेरे को लगता है कि ग्रोथ रूरल एरियाज की जारी रहेगी। इस साल भी अगर आपने देखा हो 2022 में भी रूरल की ग्रोथ कारों के लिहाज से अर्बन ग्रोथ से थोड़ी सी हायर रही है, और ये करीब 3-4% हायर रही है। ओवरऑल ग्रोथ जो है रिटेल की करीब 23.5-24% है, रूरल की ग्रोथ 25% है, जबकि अर्बन की ग्रोथ करीब 21-22 के दरमियान है। तो मुझे लगता है आगे भी ये रुझान जारी रहेंगे। बिल्कुल मिस्टर शशांक, नए लॉन्चेस को लेकर क्या प्लान है आपके, क्योंकि 2022 में तो हमने देखा गया था कि कंपनी ने कुछ 5 लॉन्च किए थे, 2023 में क्या एक्सपेक्ट करें कि ये नंबर बढ़ा हुआ रहेगा, क्या आउटलुक बन रहा है आपका? जी, जैसे मैंने पिछली बार जब हमारी गुफ्तगु हुई थी तो मैंने अर्ज किया था कि हमने ये जो हमारा हदफ है 50% मार्केट शेयर बाजार की हिस्सेदारी हासिल करना, उसमें बहुत अहम है कि हम SUV के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं। नॉन SUV क्षेत्र में तो हमारे मार्केट की हिस्सेदारी 65% के ऊपर है, लेकिन SUV में हम थोड़े कमजोर थे, और लिहाजा इसीलिए अगर आप कुल मिला के अगर मार्केट में हिस्सेदारी देखें तो 45% के आसपास है। हमने 2 SUV नई ग्रैंड विटारा और नई ब्रेजा लॉन्च करी थी, उसके अलावा हमने ऑल्टो केडेन और बलिनो भी नई लॉन्च करी थी पिछले इस साल 2022 में। हम आगे आने वाले वक्त में भी SUVs को स्ट्रेंथन करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, और अभी जो ऑटो एक्सपो आ रहा है जो अगले महीने जनवरी में है, उधर भी हम 2 नई SUVs लॉन्च करेंगे। इससे हमें उम्मीद है कि हमारी बाजार की हिस्सेदारी SUV में और इसीलिए आगे पूरे ओवरऑल मार्केट में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। शशांक जी, 2022 में तो हमने देखा ही है 5 नए लॉन्चेस के, आपने तो उम्मीद यही करते हैं कि इससे ज्यादा नए लॉन्चेस आपकी तरफ से आने वाले साल में देखेंगे, बेस्ट विशेस टू यू फॉर दैट। लेकिन साथ ही EV पर आपके प्लान्स क्या हैं, हम जानते हैं 2024 से आप EV सेगमेंट में एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यू नो डेवलपमेंट्स या फिर प्रेपरेशंस 2023 में इस सेगमेंट में एंटर करने के लिए क्या होगी? तो दो बहुत अहम जो मुद्दे हैं EV से मुतल्लिक, वो
वो है एक तो एक बैटरी की कॉस्ट कम करना, और यही वजह है कि हम उसके लोकलाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कंज्यूमर्स के में जो एक रेंज एंग्जाइटी जिसको कहते हैं उसको कैसे कम किया जाए, ये दो अहम मुद्दे हैं। और इसके अलावा हाँ, डेवलपमेंट का काम जारी है और 2024-25 के माली साल में हम अपनी ईवीज बाजार में उतारेंगे। एक्सपोर्ट्स को लेकर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि इस साल तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के आंकड़े देखने को मिले थे। 2023 के लिए क्या लक्ष्य है आपका? हमारा लक्ष्य तो एक्सपोर्ट्स में भी बड़ा अच्छा है। इनफैक्ट हमारा अगर आप देखें गुज़िश्ता साल में हमने 237,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट की थी। हम अपने मुल्क के नंबर वन एक्सपोर्टर बन गए थे पैसेंजर व्हीकल्स के, और इस साल भी हमें उम्मीद है कि हम पिछले जो आंकड़े हैं उसको पार करेंगे। 2 लाख शायद 2 लाख इसके ऊपर 2,40,000 के ऊपर हम एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब इस बार भी हम नंबर वन एक्सपोर्टर होंगे इंडिया के। तीसरी, आपने अगले साल की जहां तक बात की, हमारी उम्मीद तो यही है कि हम इस साल के आंकड़े के ऊपर भी जाएंगे, और यही हमारी कोशिश है। बिल्कुल शशांक जी, साथ ही इस साल फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार मारुति सुजुकी ने अनवील की, इसे लेकर आपके व्यूज क्या हैं? और हाँ, ऑन रोड ये कार ऑपरेशनल कब देखेंगे हम? जी देखिए, ये हमने जो दिखाई थी गाड़ी वो इस वजह से दिखाई थी क्योंकि हमें हमें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो और एमिशन से रिलेटेड जो मुद्दा है उस पे काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। और हमारा ये मौकेफ है कि सिर्फ ईवी नहीं, हमें बाकी सारी टेक्नोलॉजी भी एक लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ईवी का जो 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 एडॉप्शन है वो शायद उसमें कुछ वक्त लग सकता है, कुछ साल लग सकते हैं। इस दरमियान में हमारे को कई टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा। हमने सीएनजी की गाड़ियां जो हमारे करीब 22% गाड़ियां सीएनजी बिकती हैं वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। उसके अलावा फ्लेक्स फ्यूअल है, उसके अलावा बायोगैस है, ईवी तो है ही, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की भी गाड़ी हमने, जैसे आपको पता है, अभी उतारी है बाजार में ग्रैंड विटारा में। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाती हैं, और इस वजह से हमारा ये नजरिया है कि इन सभी टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा, ताकि जब तक ईवीज मेन स्ट्रीम नहीं होती हैं, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है, तब तक हम जो है एनवायरनमेंट के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें। राइट, ऑल राइट मिस्टर शशांक, थैंक यू सो मच अब हमें समय देने के लिए अपना कीमती, और अपने कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, ये थे मारुति के मैनेजमेंट, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केट सेल्स शशांक श्रीवास्तव, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर और डिमांड ट्रेंड पर बात करते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और